तो हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। रात का टाइम है जी, मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि गाड़ी में मैं बैठी हूँ और हम चल दिए हैं कहीं। रात के बज रहे हैं ठीक 11:35। तो हमने डिसाइड किया, गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी बच्चों की, कहीं जाना नहीं हुआ हमारा, क्योंकि मकान भी एक तरफ बन रहा है, फिर घर में पप्पी भी हैं छोटे छोटे। तो भाई हमने डिसाइड करा तो क्यों ना अपने बांके बिहारी बाबा जी के पास चलते हैं जी, क्योंकि कहते बुलावा आता है तभी जाया जाता है वहाँ पे। तो भाई हमारा बुलावा आ चुका है, तो हम जल्दी हैं दिल्ली से लेके वृंदावन। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे, और पहुँचते पहुँचते अगर रास्ते में कहीं स्टॉप करते हैं तो मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पर हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ऊँची ऊँची इमारतें, ये रोड रात के अच्छे लगते हैं। वैसे ठंड में जाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता इन रोडों पर, लेकिन हाँ गर्मी है। तो ये हम नोएडा में एंट्री कर चुके हैं, नोएडा के बाद एंट्री हो जाएगी हमारी यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि सीधा ही वृंदावन के साइड जाता है आगरा का। ये लिखा है यमुना एक्सप्रेसवे, तो हमारी एंट्री हो रही है भाई यहाँ पे। तो आप रास्ता एंजॉय कीजिए, रास्ते में कहीं रुकेंगे तो फिर हम आपसे बात करते हैं। कृपा कर दे, तू तो ममता की मूरत है। प्रभु मुझ पे। तो हम यमुना एक्सप्रेसवे के फर्स्ट टोल पे आ गए हैं, टोल टैक्स है ये। यहाँ पे फास्ट टैग जरूरी है, अगर फास्ट टैग होगा तो आप इजीली पे करके निकल जाएंगे, और नहीं होगा तो आपको डबल पे करना ही पड़ेगा, इसलिए फास्ट टैग लगा के चलिए। अब इसके बाद आता है जी शिवा ढाबा, टोल पास करते ही आ जाएगा शिवा ढाबा, तो हमने वहीं पर रोका है। तो इनसे वही बातचीत हो रही है भाई, हाँ कितने देर रुकना है कितने देर नहीं रुकना है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर रुकेंगे। तो जैसे ही हम अपना नज़र घुमा रहे हैं तो यहाँ की रौनक भी रात के टाइम देखते ही बनते हैं। वैसे भी हम जब भी यहाँ आते हैं हमेशा हमें भीड़ ही मिली है, चाहे हम सर्दी में आएँ चाहे हम गर्मी में आएँ, किसी भी महीने में आप आ जाओ हमेशा यहाँ पे आपको भीड़ ही मिलेगी। और भीड़ इसलिए ही मिलेगी क्योंकि यहाँ का जो खाना है और यहाँ की जो चाय इलायची वाली वो बहुत फेमस है। तो भाई उतर चुके हैं, हम भी उतर लिए हैं। तो यहाँ भीड़ देखिए, मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ दुनिया भर की। रात को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे दिन हो रही है, यहाँ पे जितने बस वगैरह हैं या अपनी पर्सनल कार से जो है जो भी जहाँ जा रहे हैं आगरा में, इधर मतलब लंबा हाईवे पड़ता है तो यही एक ढाबा पड़ता है, उसके बाद फिर टोल पड़ेगा। बीच बीच में है लेकिन ज़्यादातर इसी में ही रुकते हैं सब, शिवा ढाबे में। तो हमारा डिसाइड हुआ कि चलो थोड़ा बहुत खा पी लिया जाए, क्योंकि घर से खाना बना के लेके आए थे, लेकिन वही है घर का बाहर निकले कहाँ भाता है। तो बैठ गए जी खाना पीना खाने, और मैं जो ये होता है ना सौंप, मैं ज़रूर ये भर के लेके चलती टिश्यू पेपर में, क्योंकि खाने में रास्ते मज़ा आता है और मुँह थोड़ा फ्रेश रहता है। तो भाई खा पी लिया, गाड़ी हमारी तैयार है, हमारा अगला पड़ाव आएगा वृंदावन, तो सीधा चलते हैं जी। तो भाई हम वृंदावन को पार करके गोकुल में एंट्री करी है हमने, ये बोले चलो सीधा तुम्हें रमन रेती लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे हिरन हैं, और यहाँ की कहते हैं जो लड्डू गोपाल जी थे हमारे, इस रेत में खेलते थे, इस रेत को मुँह में भर लेते थे। तो यहाँ पर लोग देखना लोट पोट हो रहे हैं रेत के ऊपर नीचे। मैं तो खैर पहली बार आई हूँ यहाँ पे, कहते श्री कृष्ण के जन्म के बाद यहाँ पे मतलब कि लेके आए थे बाबा नंद बाबा, इनको लेके आए थे यहाँ पे, यहीं पे इनका बचपन बीता है। तो वही नगरी देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ श्री कृष्ण भगवान जी हमारे साथ मिट्टी में खेल रहे हैं। तो देखिए ये मेरे हस्बैंड कैसे रेत में एकदम फैल गए हैं, बैठी तो मैं भी हूँ, लेकिन वही है मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और मैं इनके ऊपर रेत डाल रहा हूँ। रेत ऐसी है जैसे रुई, ना तो ये कपड़ों में लग रही है ना ही शरीर पे चिपक रही है, मतलब रेत बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ आप आओगे ना आने के बाद ही वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये मेरी मम्मी है जो अपने ऊपर डाल रही है रेत, ये मेरे ऊपर डाल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ के रेत में सारे दुख दर्द शरीर के ख़त्म हो जाते हैं। अब हम वहाँ पर रुके नहीं क्योंकि वहाँ पर रुकने का कोई भी साधन नहीं था, और हम नहाए धोए भी रात को नहा के निकले थे, लेकिन अब हमें ज़रूरत थी भाई थोड़ा रेस्ट भी करें, नहा धो के फ्रेश हो जाएं। तो हम चल दिए वृंदावन की तरफ, वहीं पे हमने बुक कर रखा था होटल अपना। तो वृंदावन जी हम पहुंच चुके हैं, शाम हो चुकी है, नहा धो के एक डेढ़ घंटा रेस्ट कर लिया। तो अब हम चल रहे हैं ई रिक्शा में, क्योंकि वहाँ पर अपनी गाड़ी ले जाना तो फंसाने वाली बात है, ई रिक्शा वहाँ पर कंपलसरी है। ई रिक्शा में बैठो आपको आराम से वृंदावन के जो मंदिर हैं
बांके बिहारी जी का टेंपल, वो आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो हम बांके बिहारी के दर्शन करने ही आए थे, और ये मेरे लड्डू गोपाल जी भी साथ में चल रहे हैं। इनकी टोकरी लाना मैं भूल गई, तो भाई हमने एंट्री ले ली है। यहाँ पे भी चारों तरफ देखा जाए राधे 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 यही घूमता रहता है, और भीड़ देखो हर तरफ जहाँ देखोगे तो बहुत है। अब हम ई रिक्शे से उतर के पैदल चल दिए हैं, क्योंकि आगे का रास्ता हमारा पैदल ही है और मार्केट का एरिया पड़ेगा। तो हमारी जो एंट्री है उसी एंट्री में हम चल रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी के संग, करते करते राधे कृष्ण करते हुए जी हम भी पहुंच रहे हैं। तो ये एरिया है जो पारो के मंदिर की तरफ जाएगा। यहाँ पे भीड़ देखिए कितनी है, और यहाँ पे चप्पल उतारने के निर्देश दिए जा रहे हैं, स्पीकर में अनाउंसमेंट हो रही है, जो भी जाएगा वो नंगे पैर जाएगा। ये अच्छी बात है भाई, एंट्री करो कान्हा जी की कुंज गलियों में तो महसूस होता है उधर की बंदर, यहाँ के बंदर बहुत शैतान है, चश्मा पर्स फोन सब कुछ छीन लेते हैं, फिर इनको फ्रूटी दोगे तभी आपको रिटर्न करेंगे। तो भीड़ देखिए कितनी भीड़ है, तो हम भी जा रहे हैं भाई अंदर। तो ये मंदिर जो है बांके बिहारी के जस्ट 4 नंबर गेट से जैसे बाहर निकलोगे वहीं पे हमारे बांके बिहारी जी का मिलेगा ये। तो यहाँ पे आराम से बैठ के आप समय बिता सकते हैं, तो वही हमने किया। ये है यमुना नदी, अब हमने एंट्री ले ली है दिल्ली की तरफ, क्योंकि हम बांके बिहारी जी के दर्शन ही करने आए थे। तो हमारे दिल्ली से नज़दीक ही पड़ता है, तो हम जब भी जाते हैं 1 से 2 दिन ही लगाते हैं। तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है दिल्ली की तरफ, हमें बांके बिहारी जी के दर्शन खूब अच्छे से हुए, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छे से हुए होंगे। तो ये हमारा दिल्ली की तरफ रुख हो रहा है, अपना चल दिए हैं घर की तरफ बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेके। मेरी मनोकामना यही है आप सब की भी इच्छा पूरी हो,
बाकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं जो उनकी सबकी इच्छा पूरी होती है, तो भाई हमारी भी इच्छा पूरी है। तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए दिल्ली में हमारी एंट्री हो चुकी है।